नमस्कार, मैं हूं रोमा शुक्ला। यूपी की कई बार की सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से अगर पूछा जाए कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में से इन तीनों में से कौन वो है जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं, अगर वो ईमानदारी से जवाब देंगी तो वो यही कहेंगी, कांग्रेस। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उन्हें धोखा दिया, फिर राजस्थान में भी। ऊपर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार उनके वोट बैंक में सेंधी कर रही हैं, उससे वो बदला चुकाने का मौका खोज रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें गुजरात के उपचुनाव में कांग्रेस से स्कोर सेटल करने का रास्ता दे दिया है। बीएसपी सुप्रीमो लगातार जिस तरह से बीजेपी की सरकारों के लिए नरमी दिखा रही थी, उसको देखकर लोग यही कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी मायावती केंद्रीय एजेंसियों के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोहा नहीं ले रही है, उल्टे तारीफ कर रही है। राजनीतिक हलकों में ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। गुजरात में 2 महीने बाद होने वाले उपचुनावों से ये संकेत पुख्ता होने लगा है कि वाकई में बीएसपी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। इसी साल सितंबर में गुजरात के 8 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। मायावती ने यह फैसला किया है कि उपचुनावों में पार्टी सभी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जाहिर है कि बीएसपी के इस फैसले से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और कांग्रेस को बहुत नुकसान। 2017 के चुनाव में भी बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीएसपी भले ही एक भी सीट ना जीत पाई थी, लेकिन उसने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। 16 सीटें ऐसी थीं जहां पर बीजेपी उम्मीदवारों ने कांग्रेस को 100-200 वोटों से हराया था। जाहिर है कि इस बार भी वो कांग्रेस के दलित वोटों में सेंध मारी जरूर करेंगे। 2017 के गुजरात चुनाव में बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। बीएसपी को यहां बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले थे। गुजरात में बीएसपी भले ही सीट ना जीत पाती हो, लेकिन दलितों के वोट बैंक में उसका लगातार इजाफा हो रहा है। जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, वो कांग्रेसियों के इस्तीफा देकर बीजेपी में जाने की वजह से खाली हुई है। जाहिर है कि बीएसपी की सक्रियता कांग्रेस की लुटिया डुबाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गांधीनगर।